नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। पहाड़ समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी को अपने मोबाइल फोन 24 घंटे खुले रखने को कहा है, ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। तो जिस तरह से भारी मानसून की संभावना है, भारी बारिश के चलते कभी बादल फट जाता है उत्तराखंड में कभी, तो उसको लेकर ही सीएम ने आदेश दिए हैं डीएम को कि सभी अधिकारियों के फोन 24/7 ऑन रहने चाहिए, ताकि किसी भी आपदा में तत्काल प्रभाव से अधिकारी वहां पहुंचकर बचाव कार्य कर सके। इस खबर पर शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दे दिए हैं कि सभी अधिकारियों के, पुलिस अफसरों के 24 घंटे फोन खुले रहने चाहिए, ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल, आपको बता दो, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बरसात के मौसम में जो है लगातार लैंडस्लाइडिंग बोले, भूस्खलन बोला जाए, चाहे पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बहाव बोला है, बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो है आदेश जारी किया कि सभी जिला अधिकारी या सभी बड़े अधिकारी जो पुलिस विभाग के, उनके फोन हमेशा चप्पर 24/7 ऑन रहेंगे। जिस समय भी कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो तुरंत उनसे संपर्क कराया जाएगा, जिससे किसी बड़ी हादसे को खुले टाल दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपने पौड़ी भ्रमण के तीसरे दिन विकासखंड थलीसैंड के कई इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद भी ग्रामीणों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर रावत ने धादड़ खेत कल्याणी मोटर मार्ग का शिलान्यास किया, जबकि कैप्रोली को सड़क की सौगात दी। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत, अध्यक्ष राज्य सहकारी संघ मातवर सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारे राज्य का ये एकमात्र प्रोफेशनल कॉलेज है, जिसमें कि इंजीनियरिंग से लेके बीएससी ऑनर्स से लेके हर प्रकार की पढ़ाई की जाएगी, और जो पढ़ाई आईआईटी दिल्ली आईआईटी मुंबई में होती है वो यहाँ पैठानी में की जाएगी जी। और लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से कॉलेज बन रहा है, और हमें चाहते हैं कि इसी सत्र में यहाँ ये कॉलेज शुरू हो जाए। मैंने कार्यदायी संस्था को भी, विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि नवंबर तक ये कॉलेज बनके तैयार करना है, और मुझे आसार विश्वास है कि नवंबर तक ये कॉलेज। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 34 संक्रमित मिले हैं, वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 47 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 604 पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा भले ही थम गया हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रदेश में सैंपल जांच की रफ्तार कम हो गई है। 7 दिन में लक्ष्य से 40% कोविड जांच कम हुई है। सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिदिन 40,000 सैंपल जांच कराने का लक्ष्य दिया था। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, हालांकि संख्या जो है पॉजिटिविटी दर घट रही है, लेकिन जांचें क्यों कम हो रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि सचमुच जो है पॉजिटिविटी कम हो रही है, लेकिन अगर बात करो सोमवार की तो कोरोना के 34 नए मामले आए हैं, जबकि हल्द्वानी डॉक्टर सुशीला तिवाली राजकीय चिकित्सालय में एक मरीज की मौत भी हो गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में 11 जनपदों में मरीजों का आंकड़ा इकाई में और एक में मिले शून्य रहा है, वही 47 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रीति, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग से भी मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में निजी और सरकारी लैब में 20,327 सैंपल जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 20,303 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नैनीताल जिले में सबसे अधिक 12 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रीति, अभी तक जो है उत्तराखंड में 3,41,446 लोग संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 3,27,511 स्वस्थ भी हो चुके हैं। टीकाकरण की विनोद, आप किस तरह की रफ्तार देख पा रहे हैं, टीकाकरण किस स्तर पर हो रहा है, क्योंकि जो हम खबर सामने आ रही है उसमें 40,000 प्रतिदिन टेस्ट करने थे, लेकिन टेस्टों में कमी आई है, तो टीकाकरण की तो रफ्तार है कि वो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जा रही है। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण महाअभियान में भले ही कुछ दिनों पहले वैक्सीन की कमी से जो है टीकाकरण में कमी पाई गई थी, लेकिन अब जो है कोरोना जो वैक्सीन है
उत्तराखंड में पहुंच चुकी है। टीकाकरण यदि रफ्तार तेजी है तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना पर लगाम लगाने के लिए राज्य में हर तरह की तैयारियां जारी हैं और कोरोना जो है कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। भले ही फंगस जो है उत्तराखंड में दस्तक दे रहा है, 546 मामले फंगस के सामने हैं, 117 लोगों की मौत हो चुकी है और फंगस के 167 लोग ठीक भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना पर भी जो है राज्य सरकार, राज्य का स्वास्थ्य विभाग लगाम लगा रहा है और कोरोना के मामलों में दिन पर दिन गिरावट आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमोली के जोशीमठ विकासखंड में उर्गम क्षेत्र के देवग्राम में 213 में आई भीषण आपदा के समय कल्प गंगा का पानी बढ़ जाने के कारण पूरी जमीन धस गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों के मकानों में दरारें पड़ गई थी। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देने को तैयार है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मकानों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं और जबकि बरसात का समय होता है तो उनके मन में फिर से वही 2013 की आपदा की याद ताजा हो जाती है। रुड़की के सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक गरीब तबके के एक व्यक्ति जब अपनी पत्नी को लेकर डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसे वहां से भगा दिया जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी रोड पर ही बच्चे को जन्म देती है। सारा मामला जब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने देखा तो वो इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक के पास पहुंचते हैं और सारी जानकारी देते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उल्टा उन मीडिया कर्मियों पर ही गलत आरोप लगाए जाने लगते हैं जिन्होंने इसकी शिकायत की है। बच्चा कल एक मानसी संस्था है, उनके द्वारा करीबन 12:30-1 बजे लाकर लाया गया था। दिन में बच्चे की हालत बहुत अच्छी नहीं थी तो इसको भर्ती करके उपचार NBICU के अंदर चालू कर दिया गया था। हालांकि उसकी मदर को भी हमने एग्जामिन करा लिया था लेकिन उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि माँ को भर्ती कर देते हैं तो बेड मिल जाएगा, ऊपर से यहाँ पर उसकी बच्चे की केयर भी प्रॉपर हो जाएगी। दिन भर ठीक ठाक चलता रहा, शाम के टाइम मेरे पर करीबन 9 बजे के आसपास स्टाफ का फ़ोन आया कि काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, उनके हस्बैंड जो आए हैं। और इसके बाद एक के बाद वो हंगामा चलता रहा करीबन 10:30 बजे फिर मुझे खुद आके आना पड़ा और वो बच्चे की कहते कि मैं तो बच्चों को लेकर जाऊंगा और हम यहाँ पे यहाँ नहीं इलाज कराना चाहते हम। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 2 दिन से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। बाजारों कस्बों में बारिश के चलते पानी भराव से कीचड़ हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि बारिश फसल के लिए अच्छी है लेकिन पालतू मवेशियों के चारे के लिए दिक्कतें आ रही हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से पौड़ी में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद ममगाई ने बताया कि क्षेत्र में बारिश को देखते हुए मोटर मार्ग अवरुद्ध होने पर लोक निर्माण विभागों को अलर्ट किया गया है। JCB मशीन तैयार है। हम लोगों ने जो है यहाँ पे अपनी डोली के सहयोग से एक JCB मशीन यहाँ पे रखी है और उधर बेरीखाल में भी JCB मशीन लगी है और मैठाना घाट साइड में भी एक JCB मशीन हमने प्रोवाइड करा रखी है। तो जहाँ जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है तो हम JCB मशीन वहाँ पे भेज के। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मसूरी शहर में कई जगह भूस्खलन होने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन होने से कई बार मार्ग आवागमन के लिए बाधित भी हुआ है, जिसे JCB मशीनों द्वारा हटाया गया। गलोगी पावर हाउस के निकट पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर आने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बताते चले कि उक्त मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है, जिससे लगातार मलबा गिरना जारी है। साल से जल लोक निर्माण विभाग का कार्य चल रहा था तो उन्होंने ट्रीटमेंट की कई बार यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए बोला पर अनदेखी करी इन्होंने और उसमें मैंने वहाँ धरना प्रदर्शन भी करा और उसमें धरना प्रदर्शन के बाद मैंने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा, सांसद को भी ज्ञापन सौंपा और उनकी अनदेखी रही, इस बार भी अनदेखी रही और विधायक की हर बार घोषणाएं रही, खाली सुर्खियों में छाने के लिए रहे विधायक जी और उन्होंने ये घोषणा कर दी 1 महीने में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, पर उन्होंने भी अनदेखी करी है। बरसात शुरू हो गई है और काफ़ी जगह यहाँ भूस्खलन हो रहा है और पर्यटक इतने उसमें आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक, कल के डेट में कोई दुर्घटना भी घट सकती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या लोक निर्माण विभाग लेगा या क्षेत्र जनप्रतिनिधि लेगा? अब चुनाव भी नज़दीक है, खाली वो घोषणाओं में सीमित रह गए हैं और अगर इसमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं होता इसका तो मैं उसमें धरने में धरना प्रदर्शन।
में। इस खबर पर हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, चौड़ीकरण कराने के लिए हालांकि जगह खाली की जाती है, लेकिन जो खतरा पैदा होता है इस समय पे मानसून के समय पर कि जो भूस्खलन का और रोडों पर मलबा गिरने का, तो उससे भारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? शुभम, आपको आवाज आ रही है? तो पहाड़ों में लगातार भूस्खलन जारी है, जिसके चलते लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। आप जेसीबी मशीनों को लगाया गया हालांकि कि जल्द से जल्द रोडों को हटाया जाए। शुभम, आपको आवाज आ रही है? पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कूड़ा निगरानी और जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण के बारे में जानकारी ली। ब्लॉक स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कूड़ा प्रबंधन एवं निस्तारण को मॉडल के रूप में विकसित करने को लेकर डीएम ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिया है। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर सभी कार्यों का उल्लेख करते डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करने को कहा है। केदारनाथ धाम में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हम आपको केदारनाथ धाम की तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से वहां पर भारी बारिश लगातार हो रही है। तो प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण का प्रोग्राम था, मगर भारी बारिश के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। तो लगातार केदारनाथ में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ को लेकर जो निरीक्षण प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में पहले सोमवार को झमाझम बारिश के साथ शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र सेम कोटगी में अलकनंदा पंचमुखी महादेव का मंदिर स्थापित है। पंचमुखी महादेव का जनपद रुद्रप्रयाग में इकलौता मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से लोग जल चढ़ाने पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। साथ ही ये मंदिर एकांत व सुंदर रमणीक स्थल पर है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में जो लोग यहाँ पर पंचमुखी महादेव में जप हवन पूजा बेलपत्र चढ़ाने उनकी आते हैं, उनकी हर जायज मनोकामनाएं पूरी होती है। समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे।